ओम शांति। आज की तारीख है 26/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें पुरुषार्थ के विषय में समय प्रति समय बताते ही रहते हैं। आज हमें बाबा सत्व प्रधान पुरुषार्थ किसको कहते हैं उस पर हमारा ध्यान खींचवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो, यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं? उत्तर है, जो ज्ञान की रू रिहान करते हैं, जो सर्विसेबुल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो जरमुई जंगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। प्रश्न है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर है, जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं, वो बाप का नाम भी बदनाम करते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है, वो गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतिंद्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। नंबर दो, धुतीपना बहुत नुकसान करता है। धुतीपना माना परचिंतन करना, और परचिंतन करने के साथ साथ एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को, या फिर एक दो को वो बातें सुना देना, ये कहते हैं धुतीपना करना। तो धुतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी और सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक, ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ, तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाओगे। प्राप्ति की खुशी कभी भी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन है, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु माना सागर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।